एक बड़ी अपडेट ईवीएम वीवीपैट पर पीएम की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट किया है। इस दौरान जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड की याद भी दिलाई। बता दें बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए तमाचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा था कि विपक्ष को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर ट्वीट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने को कहा। जयराम रमेश ने लिखा, वीवीपैट वाली याचिका में कांग्रेस पक्षकार नहीं थी। एक बड़ी अपडेट ईवीएम वीवीपैट पर पीएम की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट किया है। इस दौरान जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड की याद भी दिलाई। बता दें बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए तमाचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा था कि विपक्ष को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर ट्वीट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने को कहा। जयराम रमेश ने लिखा, वीवीपैट वाली याचिका में कांग्रेस पक्षकार नहीं थी।